मोबाइल देखती अच्छा चलो अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली क्या हाल चाल है कैसे हैं ठीक ठाक हैं हाँ जी ठीक ठाक हैं सबके सब तो चले आज का व्लॉग करते हैं शुरू अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स क्या हाल चाल है आप सब लोग कैसे करते होंगे आप सब लोग ठीक होंगे खैरियत से होंगे और हम लोग भी सब ठीक ठाक हैं क्योंकि रमज़ान चल रहा है तो आज है 21वां रोज़ा और 21वां रोज़ा ये डिसाइड हुआ था मतलब 22वीं की रात जो है वो फरहान पढ़ाते हैं पढ़ाएगा तो कुरान पाक जो है वो उसका ख़त्म होगा 22वीं की रात तो आज ख़त्म कुरान है और उसके लिए मतलब छोटा सा एक वो है कह लें कि कारी हज़रात वगैरह आएंगे तो उनके लिए खाना शाना है डिनर शिनर और डिनर में फैसला पहले हुआ था अजमन साहब ने कहा था कि चिकन कोरमा बनाएंगे चिकन कोरमा करते 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 बीफ पुलाव पे आ गए अब कहते हैं मैं बीफ लेकर आता हूँ तो बीफ तुम रख दो यखनी वगैरह उसकी निकल आएगी हल्की आँच में पकता रहेगा क्योंकि बीफ पुलाव पकाना है रात को डिनर में और अभी वो बच्चों को लेने के लिए गए हैं स्कूल से अभी आते हैं तो मैं मुलाकात करवाती हूँ आप लोगों की सबसे और क्या कहना था हाँ और मैं कहना था ये मेरी आँख जो है आप देख सकते हैं कि इस पर दाना निकला हुआ सूजी सूजी सी लग रही है ठीक है ना तो कल मैंने कपड़े शपड़े धोए तो मेरा सारा जिसम दर्द हुआ था मैंने कहा और आँखें भी दर्द हो रही थी मैंने कहा जिसम तो चलो दर्द हो ही रहा है कपड़े शपड़े धोए हैं तो आँखें क्यों दर्द हो रही हैं तो सुबह जब सैर की टाइम उठी तो पता लगा यहाँ पर दाना निकल रहा है तो क्योंकि रमज़ान है रोज़ा है पानी कम पिया जाता है गर्मी हो जाती है और कभी कहीं दाना निकलता है कभी कहीं दाना निकलता है तो चले ये आँख का जो दाना होता है ना ये बड़ा तकलीफ देता है दर्द होता है करता है तो उम्मीद करती हूँ कि ठीक हो जाएगा जल्द अज जल्द अभी बस बच्चे आते हैं तो फिर मिलते हैं ये देखा जी ये बच्चे आ गए ठीक है वालेकुम अस्सलाम ये क्या हो रहा है चलो क्यों रो रही थी हाँ रो यहाँ चलो आता साथ चेंज हो रहा है अच्छा है गुड गुड नहीं अभी चेंज ही बस उतारना है गर्मी बड़ी है बस थोड़ी सी ठंडक हो और अपने शूज दिखाएं जूते पॉलिश किए थे आज सुबह किए थे हाँ वापसी पे ये हाल हो गया वापसी में बच्चे ने पैर रख दिया एक जोर के पैर कर रख दिया लगा मेरा मजाक अच्छा और मैंने बताया है कि आज बीफ पुलाव करना है और इसका खत्म कुरान है तो बीफ पुलाव नहीं बनाना हाँ तो अब गोश्त लेने जा रहे हैं चावल ले आए थे हम कल पुलाव बनाएंगे बीफ कोरमा पुलाव बीफ कोरमा पुलाव है What? Bro, what are you talking about, man? कोई नई डिश आई? बीफ कोरमा है यार वो सालन है वो सालन कहते हैं हमने कहा चावल ना आते चावल तो अच्छे होते हैं लोग खा लेते हैं आराम से जरा नान शान जरा हैवी हो जाएंगे पेट पेट गड़बड़ है पेट है हैवी और वो काम भी करना है जो सीढ़ी आई हुई है कर लेते हैं कर लेते यार इतनी धूप पे आप लोग का काम करना के पड़ जाए दोपहर को करेंगे जब तुम सो जाना तुम जरा काटे मारो ना खर 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 करके फिर हम शोर करेंगे अच्छा चलो ठीक हो गया कल बाजार गई थी ना तो आंख मारी होगी किसी आंख फेंक के मारी होगी क्रैच लग गई लगी आउट है लग गई आउट है बस
सभी चलो जो चेंज करो, फिर हम गोश्त लेके आए, दही लेके आना है और भी रहेगा। क्या लेकर आना है और क्या लेकर आना है? दही भी और जलेबियाँ भी लेके आना। बूंदी बनेगी ना, बूंदी तक बूंदी ना पैर तड़े हाल तो थले नहीं रंग दी। दही थले ही लगना था। मिठाइयां कौन लेकर आएगा? चलो ठीक है, थोड़ी देर बाद मिलते हैं और होते होते चेंज वेंज कर ले। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं शाम के 6 बज गए हैं और रोज़ा खुलने में आधा घंटा है। तो ये कुछ तैयारी शैरी कर ली थी जो कि रात को देना है, गिफ्ट शिफ्ट देना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक ये जो दिखाया था पहले, अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा तो एक सूट था ये बच्चे का, रेडी करके रख लिया हुआ है। ठीक है, साथ मिठाई शिठाई होगी, मिठाई भी आ गई है बाहर, मैं आपको दिखाती हूँ। वो पड़ी है मिठाई, ये मिठाई पड़ी हुई है। और डिनर में जो है वो बताया था जैसे कि मैंने आपको चावल बनेंगे, बीफ पुलाव बनेगा। दही जो है फिर से निकाल लेते हैं, दही में क्योंकि फुल्कियाँ डालनी थी। फ्रिज को इसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल दी थी, दही को फेंट भी लिया था अच्छे से। तो इसमें ये फुल्कियाँ मैंने लाइट ऑन कर दिया पहले। ये जो फुल्कियाँ हैं इनको मैंने सॉफ्ट कर लिया था, सॉफ्ट हो गई हैं, ठंडी भी हो गई हैं। तो ये बस इसमें ऐड करते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो चलें जी, ये माशाल्लाह से रायता बन गया है। रायता तो नहीं, ये फुल्कियाँ, दही फुल्कियाँ जो है बन गई हैं बीफ पुलाव के साथ। और बीफ जो है वो यहाँ पे मैंने पका लिया था पहले से। ठीक है, इसकी अपनी चटनी जो है वो निकल रही हुई है, मैंने भी अभी देखा रख कर तो सो गई थी। बाद में हस्बैंड साहब की ड्यूटी लगा दी, और हस्बैंड साहब कहते हैं तुम बहुत सोती हो। ये चावल जो हम लोगों ने भिगो दिए हैं तकरीबन 8 ग्लास हैं, ये ग्लास हमारा नाप है और 8 ग्लास है। यहाँ पे तई की तैयारी हो रही है। ठीक है, थोड़े थोड़े बन गए हैं। इसको रख देते हैं फ्रिज में ताकि दही जो है वो खट्टा ना हो जाए। शरबत भी मैंने बना लिया है, फ्रिज में। ओके, इमरान का फोन आ रहा है लगता है, किसी का इमरान का फोन आ रहा है। इमरान बाहर काम कर रहे हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। और ये कुछ काम हो रहा है, पता नहीं क्या, पानी नहीं कर रहा था। बिल्ली यहाँ से जाते जंप लगा के ना, यहाँ से नाखून लगा हुआ था। अच्छा, ये पाइप काफी नरम हो गया हुआ है ना, अरसा भी तो काफी हो गया ना। और ये देखिए सुलेमान यहाँ से झांक रहा है, चाहती हूँ मार ऐसे लगा गरम करके चले ना, मैं लगाऊं माते यहाँ पे मैंने बीफ पुलाव बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। प्याज को मैंने ब्राउन कर लिया था अच्छे से, इसको मैं निकालती हूँ और इसी मसाले में सारे को ग्राइंड कर दूंगी। टमाटर
लहसुन अदरक हरी मिर्चें और ये जो है पुलाव, वो पुलाव कह रही हूँ, बीफ बाहर निकाल के रख दी है तो यखनी यहाँ निकाल के रख दी है, ठीक है सब शिट सेपरेट सेपरेट कर दिया है सब कुछ, बस फटाफट पकाते हैं। तो शायद मैं अब आपको दम पे जब मैं चावल लगा रही हूँ तो तब दिखाऊँ, ठीक है ना, बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का मुझको। बात तो सही है। चलें जी अब ये यहाँ पे दम पे आ गए हैं तो थोड़ा सा ये खेवरा डालते हैं, बस कह लिया खुशबू ऑलरेडी आ रही है तो चलें इसको दम लगा देते हैं माशा से। चल ये 10 मिनट के लिए दम पे रखे गए हैं, ठीक है। लेट हो 10 मिनट में? 10 मिनट लेट हूँ, तुम्हारी ट्रेन 10 मिनट लेट है। ओके बना रहे माशाल्लाह, ये दो बादशाह में अभी आते रहे, इनको लेने के भी गए गाड़ी में, लेकिन बीच में बाहर ड्यूटी पूरी मोहल्ले।